हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई G9 यानी कि दिव्य सोलगम। और आज जो मेरे साथ मौजूद है, एक काम करता हूँ, मैं इनका इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, लेट हिम टॉक। उनकी आवाज ही उनकी पहचान है। सर प्लीज। दोपहर 3:30 बजे दिव्य सोलगामा को यह आदेश दिया गया कि वो अपने जितने भी फैंस हैं उन तक विजय विक्रम सिंह की आवाज पहुंचाए। नमस्कार, मेरा नाम विजय विक्रम सिंह है। क्या द वॉइस ऑफ बिग बॉस? करेक्शन, सबसे पहले तो आपकी जर्नी की बात करेंगे, तो ये किस तरह इस जर्नी की शुरुआत हुई? मैं नेचुरली कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ। मैं बचपन में, जैसे सब लोग अच्छे बच्चे करके पढ़ाई करते हैं, प्रोफेशनल स्टडीज़ करते हैं, मैंने MBA किया और फिर नौकरी कर रहा था, सरकारी नौकरी कर रहा था। बॉम्बे ट्रांसफ़र हुआ, बॉम्बे में किसी ने कहा कि आवाज़ अच्छी है, तो मैंने कहा नहीं, मैं गा नहीं पाता। बोले नहीं सब, गाने के अलावा भी बहुत कुछ होता है। मैंने अच्छा, तो वो महिला जो है मुझे स्टूडियो ले गई एक्सपीरियंस कराने के लिए कि देखो। और फिर माइक के पीछे मैंने कुछ किया तो उसको स्टूडियो ओनर को पसंद नहीं आया, मुझे बहुत पसंद आया। कभी कभी नार्सिसिज्म जो है वो अच्छा होता है। उस नार्सिसिज्म ने मुझे वहाँ से यहाँ तक का सफ़र तय करा दिया कि नहीं, मुझे अपनी आवाज़ पसंद है। उसने कहा कि भाई, मतलब बहुत ही वाहियात रिकॉर्डिंग थी, अगर तुम्हें आवाज़ का टेक्सचर अच्छा है, काम करो तो पता नहीं, मतलब थोड़ा आवाज़ पे काम करो तो पता नहीं, बट अभी तो एज ऑफ नाउ तुम्हें काम नहीं मिल सकता। मैंने आवाज़ पे काम किया, 3 साल आवाज़ पे काम किया नौकरी करते हुए। और जब मुझे कॉन्फिडेंस हो गया कि नहीं, अब मैं कर सकता हूँ, तब मैं मार्केट में निकला नौकरी छोड़ के, जिसका श्रेय मेरी धर्मपत्नी को जाता है, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया। और डांस इंडिया डांस सीजन 1 मिल गया मुझे। क्या बात है। फिर वहाँ से 1 साल बाद बिग बॉस मिल गया, तब से चल रही है गाड़ी। तो ये बिग बॉस के एंट्री की उसके पीछे का किस्सा बताइए। वही, ये लोग नरेटर्स वॉइस ढूंढ रहे थे, सबसे सीरीज मेमोरीज मंगाई गई, मैंने भी भेज दी। फिर ऑडिशन हुआ कई सारे लोगों का, उसमें मेरी आवाज़ पसंद आ गई, बस तब से चल रहा है। क्या आपको पता था कि ये इतना बड़ा सेंसेशन हो जाएगा? ऑफ कोर्स इट वाज इंटरनेशनल शो, जो शुरुआत हुई थी एक यहाँ पे छोटे लेवल पे शुरुआत हुई थी, धीरे धीरे इट्स केप्ट ऑन गोइंग बिगर एंड बिगर एंड बिगर। तो क्या आपको पता था कि ये ऐसा होगा? जी मैं बताता हूँ, मैं सीजन 4 से जुड़ा हूँ। सीजन 1 मैंने नहीं देखा, बट सीजन 2 और 3 एक आर्डेंट फैन की तरह मैंने फॉलो किया था। ऐसे दर्शक, और मैंने कभी सोचा भी नहीं, सपने में भी नहीं सोचा था कि आवाज़ इसका हिस्सा बन पाऊंगा। तो जब फाइनल हुआ, आप सोच नहीं सकते, वैसी खुशी मुझे जीवन में शायद 2 या 3 बार ही हुई। वो खुशी मैं बयान नहीं कर सकता, बट इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वैसी खुशी आज तक जीवन में 2 या 3 बार ही हुई है। पर ये नहीं पता था कि वो इतना मुझे प्रसिद्धि दिला देगा ये शो। पर ये बड़ा शो है, इसका एहसास था। इस बड़े शो से मैं जुड़ने जा रहा हूँ, इसका एहसास था। सो आप भी जुड़े, और साथ में उसी साल सलमान खान ऑल्सो जुड़े। जी सलमान, ये हमारा सौभाग्य है कि उनके, जब उन्होंने एंट्री की तो हमने भी। यू एंड सलमान स्टार्टेड टुगेदर। सलमान सर के साथ मैंने शो में शुरुआत करी, ये कहना बेहतर होगा। और अभी तक चल रहा है एसोसिएशन, टचवुड होपफुली चलता रहे। तो आप इतने शाय क्यों हैं? मैंने इसके पहले भी आपको देखा है कि मतलब आप बहुत कम लिमिटेड इंटरव्यूज देते हैं, थोड़ा सा ये रिजर्व टाइप के पर्सन है। बाय बाय, बिग बॉस तो पूरा खुल के शो है और आवाज़ इतनी बुलंद है। इफ़ आई हैड सच वॉइस आई वुड लाइक गो एवरीवेयर एंड टॉक। ऐसा कुछ बात करने के लिए था नहीं, पर अब मैं काफ़ी, पिछले 2 साल में मैंने बहुत कुछ किया है, जहाँ पर मैंने अपनी जर्नी लोगों तक पहुँचाई है। मेरी एक जर्नी रही है, इस सबसे पहले बहुत यंग एज में मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया, फिर अल्कोहलिज्म की तरफ चला गया, मरते मरते बचा उसे अल्कोहलिज्म की वजह से। तो 2 साल पहले मैंने वो जर्नी शेयर की लोगों के साथ, तो थोड़ा शाइनेस थी, बट वो धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं। और अब क्योंकि एक्टिंग के क्षेत्र में भी आ गए हैं फैमिली मैन के ज़रिए, तो हमने निर्णय कर लिया है कि भाई हम खुल के एकदम आएँगे, लोगों से बात करेंगे, लोगों को बताएंगे, अपने अनुभव शेयर करेंगे लोगों के साथ। मेरे इतने सारे अनुभव हैं, डिप्रेशन अल्कोहलिज्म से निकल कर एक आम ज़िंदगी जीना, फिर आम ज़िंदगी जीते हुए वो सब कुछ छोड़कर एक क्रिएटिव स्पेस में आ जाना, और उस क्रिएटिव स्पेस में भी करते करते कुछ नया करते रहना, करते हुए फिर एक्टिंग की तरफ मुड़ जाना। तो हाउ डू यू मैनेज इतना टाइम? मतलब बिग बॉस कितना टाइम लेता है आपका, अगर जब सीजन 1 तक एवरी डे कितना टाइम चला जाता है? 4, अब 3.5 महीने का शो है, 4.5 का हो गया, एक्सटेंड हो गया है। बट क्योंकि मेरा काम पोस्ट प्रोडक्शन में होता है, क्योंकि मैं नरेशन करता हूँ शो का, तो मुझे 6-8 घंटे ही देने होते हैं शो के।
तो बाकी समय मैं निकाल लेता हूँ। और शूट वगैरह जैसे अभी सीज़न 2 शूट किया मैंने, और इत्तेफाकन वो बिग बॉस के साथ ही हुआ, 10 दिन का शूट मुझे मैनेज करना पड़ा दोनों शोज़ को, हो जाता है। तो मतलब यू डोंट हैव टू बी 24/7 अवेलेबल ऑन द सेट, तो कभी आप रहे 24/7 सेट पे? देखा है, लाइव देखा है? लाइव हमेशा देखते हैं, अभी भी जाते हैं तो लाइव फीड हम देख ही लेते हैं, लेकिन 24 घंटे कभी नहीं। तो कितना अच्छा लगता है या कितनी एक्साइटमेंट होती है जब पूरी देश, पूरा देश वेट कर रहा है कि आज क्या होने वाला है, एंड यू नो ऑलरेडी कि कल तक क्या होने वाला है, तो वो एक फीलिंग कैसी होती है? अब मैं आपको बताऊं, सोशल मीडिया के ज़माने में ना उतना सीक्रेसी रह नहीं गई है, लोगों को पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, राइट? पहली बात। दूसरी बात, गालिब साहब का एक शेर है कि हुआ यूं गम से बेहिस कि गम क्या सर के कटने का, ना होता जुदा तन से तो जानों पे धरा होता। उसका बेसिक ये है, मजमूम ये है उस शेर का, कि जब दर्द हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसका एहसास होना ख़त्म हो जाता है। खुशी का भी कुछ ऐसे ही हाल है, खुशी भी जब बहुत ज़्यादा मिलने लगती है तो फिर उसका एहसास होना ख़त्म हो जाता है। तो ये जो खुशी है जो पिछले 10 साल से हमें मिल रही है कि मैं उस चीज़ को एक दिन पहले ही लोगों से देख ले रहा हूँ, वो नम हो गई है। अब उसका एहसास थोड़ा सा कम हो गया है। तो बिग बॉस के लेकिन एक्साइटमेंट रहता है, आज ये पता चला मुझे ये होने वाला है, ओ माय गॉड। तो कितनी चीजें जो आप देखते हो, आई एम श्योर उसमें से काफी चीजें एडिट भी हो जाती होगी, बिकॉज़ फाइनली एक घंटा सा, डेढ़ घंटे का शो डाल रहा है, तो कहीं पे आपको लगता है कि अरे यार मैंने यहाँ पे जो बोला था दैट वाज समथिंग वेरी नाइस, या जो भी था ये पोर्शन बहुत अच्छा था बट वो आया नहीं बार? सर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि मेरा पोस्ट प्रोडक्शन में वॉइस ओवर होता है, तो मेरे पास वही वॉइस ओवर आता है जो फाइनल कंटेंट एडिट हो जाता है, वही आता है, तो वो मैं बोल देता हूँ, जनरली वो चला जाता है, कभी कभार कट जाता है तो अफसोस नहीं। तो कितनी चेंजेस आई लाइफ में बिग बॉस के बाद? बहुत ज़्यादा, और उसका एहसास तो शुरू से ही था, जब से लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया, सम्मान देना शुरू कर दिया, लेकिन उसका सबसे बड़ा एहसास हुआ जब मैं पहली बार सेट पर गया, किसी भी सेट पर, फैमिली मैन मेरा पहला बड़ा ब्रेक था, जब उसके सेट पर गया और जिस तरह से मैं एक नया एक्टर पहला शो कर रहा है और लीड नहीं है, उसके बाद भी जो रिस्पेक्ट मिल रही है, उसके बाद भी जो बड़े सीनियर आर्टिस्ट हैं जो सर जिस प्यार से वो मिल रहे हैं, उसने एहसास दिलाया कि बिग बॉस ने मेरी ज़िंदगी किस तरह बदल दी है। वाओ। तो क्या प्रिकॉशन लेते हैं आप अपनी आवाज़ को मेंटेन, बिग बॉस के लिए तो एक अलग टाइप का टोन है आपका, जो लेवल है उसे मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं आप? किसी भी शो के लिए सबका एक अलग टोनैलिटी हम लोग मेंटेन करते हैं, जैसे अगर इंडियन आइडल है तो थोड़ा नेचुरल, आज इंडियन आइडल में हम देखेंगे, या अगर कोई और शो जैसे खतरा करके एक शो आता था कल, बहुत ही फन जोन में था शो, खतरा में आज देखेंगे भारती की ढेर सारी मस्ती, तो इसमें आप वॉइस की रेंज को यूज़ कर रहे हो, कोई भी शो है, कहीं नीचे की रेंज को यूज़ कर रहे हो, कहीं ऊपर की रेंज को यूज़ कर रहे हो, तो उसके लिए प्रिकॉशन यही है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे पता चल गया है कि ये खाने से मेरा गला बैठ जाता है, तो मैं वो चीज़ें नहीं खाता हूँ, मुझे शुगर केन जूस बहुत पसंद है लेकिन वो पीते ही मेरा आवाज़ का बेस कट जाता है, तो मैं वो नहीं पीता हूँ। पीना भी होता है कभी तो रात में, शाम को, या मुझे पता है रिकॉर्डिंग नहीं करनी है तब पी लिया, दही नहीं खाता हूँ, एसिडिटी हो जाती है, आवाज़ बैठ जाती है, दही मतलब अगर कुछ रिकॉर्ड करना है तो नहीं खाता हूँ, बहुत हैवी नहीं खाता हूँ अगर कुछ रिकॉर्ड करना है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें, बहुत ऐसा कोई प्रिकॉशन नहीं लेता, बट हाँ रिकॉर्डिंग से पहले आई ट्राई एंड अवॉइड सर्टन थिंग्स, ताकि आवाज़ क्या होता है कि अगर ये चीज़ें आप खा लो तो आपका कंट्रोल चला जाता है आवाज़ से, जब कंट्रोल चला जाता है तो कहाँ भारी करनी है, कहाँ उसको नीचे ले जाना है, वो आप नहीं कर पाते, तो इसलिए बेहतर है कि चीज़ें ना खाई जाए। तो सीज़न 4 से लेकर 13 तक मैं आपकी फेवरेट सीज़न, सबसे फेवरेट सीज़न कौन सा? सीज़न 4 क्योंकि वो मेरा पहला था, ओके, सीज़न 10 क्योंकि वो बहुत खूबसूरत था, सीज़न 8 क्योंकि मैं उसमें घर के अंदर गया था, ये तीन, सीज़न 10 बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि उसमें जिस तरह के लोग आए थे और राइट जिस तरह का कंटेंट था, बहुत बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मज़ेदार। और 13 जिसने तो सबकी 12 बजा दी। 13 के बारे में 14 में बात करेंगे। बट स्टिल ओवरऑल इट्स अ गुड सी, देखिए इट्स द हाईएस्ट रेटेड बिग बॉस एवर, तो आई एम श्योर जैसे कहते हैं ना हिटिंग द राइट नोट्स, राइट, कोई तो राइट नोट्स हिट हो रही हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबका जिन्होंने इसको हाईएस्ट रेटेड बनाया, और देखते रहिए आप लोगों की वजह से ही 5 हफ्ते बढ़ गया है, देखते जाइए।
तो विजय जी कभी आपके व्यूज़ होते हैं लाइक बहुत डिबेट होती है यू नो एवरीवेयर दैट आसिम वाज राइट या सिद्धार्थ वाज राइट या कोई ये रश्मि राइट थी या सिद्धार्थ राइट था वॉट एवर जो भी है डिबेट होता है सोशल मीडिया की आपने बात की तो लेकिन आपके व्यूज़ में आपको कभी लगता है कि नहीं यार ये राइट था या ये रॉन्ग था बीइंग इंडिविजुअली आपने कहा आप बिग बॉस के आर्डेंट फैन भी थे फॉलोअर भी थे तो उस हिसाब से आपको फिलहाल जो हो रहा है उसमें हु इज राइट हु इज रॉन्ग देखिए एक बड़ी बेसिक रिक्वायरमेंट है हम लोग के शो में होने की वो ये है कि हमको न्यूट्रल रहना है और इसका सीधा जवाब ये है कि कोई भी राइट या कोई भी रॉन्ग नहीं होता सिचुएशन राइट होती है सिचुएशन रॉन्ग होती है तो पहली बात तो ये कि हम लोग कभी भी एटलीस्ट मैं या वो लोग जो जुड़े हुए हैं शो से वो अपने को इस लेवल पे इन्वॉल्व नहीं करते कि राइट और रॉन्ग देखें हमें न्यूट्रलिटी बहुत ज़रूरी है शो के लिए तो क्या सही है क्या गलत है जनता का काम है फैसला देने का वो फैसला दे ही देती है आजकल तो सोशल मीडिया पे तुरंत ही पता चल जाता है इनफैक्ट मैं अभी बात नहीं करूँगा लेकिन कल से मैं बहुत कुछ पढ़ रहा हूँ कई लोग बहुत ट्रेंड कर रहे हैं मतलब कई लोग ऐसे भी हैं जो टॉप टू टॉप थ्री ट्रेंडिंग में है तो ये शो की जीत यू टॉकिंग ऑफ सिद्धार्थ एंड आसिम ये शो मतलब जो लोग जनरल हो गया ना वो तो शो इसलिए वी कैन टॉक आगे का नहीं पूछूंगा कि क्या होने वाला है बट ऑफ कोर्स वी कैन टॉक ऑन द पास्ट लोग ट्रेंड कर रहे हैं इसका मतलब है कि कुछ तो सही होगा और ट्रेंड मतलब टॉप टू टॉप थ्री में ट्रेंडिंग में है आप तो लोग देख रहे हैं लोग अपने ओपिनियन बना रहे हैं और अच्छा है कि लोग ओपिनियन बना रहे हैं ओपिनियन का होना बहुत अच्छा है ये ना हो कि यही सही है या यही गलत है कुछ फेवर में भी हो कुछ अगेंस्ट में भी हो तभी वो स्पाइस बना है तो आपके फेवरेट्स कौन है इस बार से टॉप थ्री फेवरेट्स जो आपके हैं ये गलत हो जाएगा ओके क्योंकि शो से हम इतना क्लोजली जुड़े हैं अगर हम कह देंगे कि हमारे ये फेवरेट हैं तो कहीं ना कहीं वो बायसनेस हो जाएगी कहीं ना कहीं वो एक इंक्लिनेशन एक टिल्ट हो जाएगा उनकी तरफ ओके तो मैं इस क्वेश्चन को अवॉइड भी करता हूँ और इस थॉट को भी अवॉइड करता हूँ कि मेरा फेवरेट कौन है चलो कोई नहीं लेट्स गिव आई विल गिव यू द नेम्स आपके हिसाब से उस कैरेक्टर को जस्टिफाई एक वर्ड में या किस तरह अपने बंदाज में आप बता सके तो स्टार्टिंग विद सिद्धार्थ शुक्ला ऑनेस्ट ऑनेस्ट सना क्यूट आसिम अग्रेसिवली ऑनेस्ट ओके एवरीबडी ऑन द शो आई एम टेलिंग यू इज देयर इज नो नेगेटिव इट्स जस्ट दैट सिचुएशन में रिएक्ट गलत या सही कर देते होंगे एवरीबडी इज पारस इंटेलिजेंट वाओ क्या बात है मायरा प्रिटी क्वाइट प्रिटी आई थिंक लगता है वो फिल्मों में आ जाएगी लेट्स होप इस शो से कई ऐसे लोग आए हैं जो फिल्मों में गए अली हैं नोरा है नोरा कितना अच्छा कर रही है हिना मुझे बस यही उम्मीद है कि रश्मि जब बाहर निकले तो उनको और अच्छा काम मिले शी इज अ वेरी वेरी टैलेंटेड गर्ल वेरी वेरी टैलेंटेड गर्ल और उनको ज़्यादा दिखना चाहिए सीरियल्स में फिल्म्स में मुझे मैं उनको फिल्मों में देखना चाहता हूँ क्या बात है विशाल अगेन आई फाइंड इससे पहले भी उन्होंने शो किया था उसमें मैंने आवाज़ दी थी और शो को भी मैंने फॉलो किया वो टैलेंटेड है वो मैं इस पर कॉमेंट नहीं करूँगा कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं बट अदरवाइज इज़ अभी मैंने उनका काम भी देखा आई थिंक चंद्रकांता चंद्रकांता और वो शो करना आसान नहीं है उस कैरेक्टर को जिसको उन्होंने पोर्ट्रे किया था मुझे उनका काम बहुत अच्छा लगा था एंड लास्ट आरती सेम एज विशाल सेम एज रश्मि शी शुड बी गेटिंग मोर वर्क आउटसाइड मैंने उनको नहीं देखा है काफ़ी समय हाँ किसी शो में शी ऑल्सो शी इज़ अ फाइन एक्टर पेडिग्रीड है भाई किस खानदान से आ रही है ऑफ कोर्स कमाल की अदाकारा हैं और उनको भी आई एम श्योर ये शो ऐसा प्लेटफॉर्म है कि लोगों को वापस याद दिला देता है कि मैं भी हूँ तो आई एम श्योर उनको भी आगे काम मिलेगा लास्ट बट नॉट द लीस्ट शेफाली ओ शी इज वेरी ब्यूटीफुल एंड आई होप दैट शी डज मोर ऑफ
मोर वर्क मोर काटा लगा ओके क्या आपके सलमान के साथ इंटरेक्शन हुए हैं जी मैं मिला हूँ 5-6 बार उनसे मिला हूँ और सबसे बेहतरीन इंटरेक्शन जब मेरी फैमिली उनसे मिली थी मेरी बेटी उस समय 6 महीने की थी ओके तो जिस प्यार से वो मिले थे उससे वो हम सब के लिए बहुत ही यादगार मोमेंट रहा है बट अदरवाइज एक बहुत ही फॉर्मल इंटरेक्शन दैट्स द पर्क्स यू नो यू कैन एट लीस्ट गो या एब्सोल्युटली और बड़ा ही गर्व महसूस मैं बड़े छोटे शहर से आता हूँ तो हमारे लिए तो सपना हुआ करता था टू मीट सलमान आज की तारीख में जितने भी बड़े स्टार्स हमारे सेट पे आते हैं तो हम देख तो लेते ही चलते फिरते मिलते नहीं है गलत बात है लेकिन चलते फिरते चाहें तो मिल लें लेकिन नहीं मिलते प्रोटोकॉल्स हैं कुछ तो उसको फॉलो करते हैं नहीं मिलते सलमान साहब से क्योंकि आफ्टर शो पार्टी होती है तो उसमें मिल लिया जनरली अवॉइड करते हैं क्योंकि वो इतने बिजी रहते हैं और शो का स्ट्रेस इतना उनके ऊपर रहता है तो अवॉइड करते हैं बट तो बस वही कह रहा छोटे शहर से आया हुआ आदमी इतना इतने बड़े बड़े लोगों से मिल रहा है मेरे लिए तो बड़ा ही है वही सो मैंने सुना है सलमान की पार्टीज लाइक गोज टिल अर्ली मॉर्निंग्स तक एंड देन स्टार्ट लेट होती है और अर्ली मॉर्निंग्स तक कैसी होती है मैं उनकी पार्टीज में नहीं गया हूँ आफ्टर शो पार्टी जैसे हमारी बिग बॉस की जो एक रैप अप पार्टी होती है ओके उसमें वो आते हैं कुछ लोगों से मिलते हैं और चले जाते हैं अच्छा तो वो पार्टी बाकी उनकी पार्टीज में सो उन्होंने कुछ क्या कॉम्प्लीमेंट दिया था आपकी आवाज़ के लिए ना कभी हमारी इस बारे में बात नहीं हुई बेटी से जब वो मिले थे मेरी तो उसके लिए उन्होंने गाना गाया वो कौन सा क्योंकि वो रो रही थी हाय हाय ये मजबूरी ये मौसम ये दूरी सो स्वीट ऑफ हिम यस वो बेचारी रो रही थी वो ही सैंग फॉर अस इट वाज अ ब्यूटीफुल मोमेंट फॉर अस एक और गाना गाया था मुझे याद ही नहीं आ रहा दो गाने ही सैंग एंड देन ही सेड नहीं चुप हो रही मैं क्या कर रहा था मैंने कहा सो स्वीट अगर सलमान आपको फिल्म में ऑफर करेंगे रोल या वॉइस ओवर या समथिंग लाइक दैट ऑब्वियसली मतलब एक टांग पे जाएंगे करने के लिए सो इसके अलावा क्या हो रहा है फैमिली मैन के बाद फैमिली मैन 2 की शूट चालू है सितंबर में आ रहा है एक फिल्म है जॉन एब्राहम प्रोडक्शन ओके मार्च में शूट शुरू कर रहे हैं उसकी वो एक अच्छा ब्रेक होगा वो मेरी पहली मूवी होगी एक कैरेक्टर जहाँ पे मैं प्रॉपर कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ वाओ तो वो है दो छोटे छोटे किरदार हैं वेब सीरीज़ में बड़े वेब सीरीज़ में आप देखेंगे बहुत जल्द उसके बारे में भी बात करेंगे सो वॉइस जब आप यहाँ पे देते हैं आर यू अलाउड टू गिव वॉइस फॉर डबिंग फॉर अनदर फिल्म्स या वो अलाउड है आपको तो आप देते हैं यस विच आर द लैंडमार्क वंस इफ यू कैन शेयर जो बड़ी अरे लैंडमार्क सबसे बड़ा लैंडमार्क तो था जब हमने HBO के लिए HBO शुरू में जब गेम ऑफ थ्रोन्स लाया था तो वो हिंदी में भी डब कर रहे थे अच्छा शुरू के 3 सीजन किए 4 सीजन उन्होंने और मैंने सर डायवॉस का कैरेक्टर उसमें हिंदी में डब किया था वो उस समय पता नहीं चला कि कितना बड़ा है अब मैं बहुत ही प्राउडली बताता हूँ कि भाई मैंने सर डायवॉस का कैरेक्टर डब किया हुआ है स्टैंड द फिश का कैरेक्टर अभी मैंने लास्ट ईयर होटल ट्रांसिल्वेनिया आई थी ट्रांसिल्वेनिया 3 उसमें क्या था डबिंग का काम थोड़ा सा कम करता हूँ क्योंकि वॉइस ओवर्स में ही कितना समय चला जाता है और एक परसेप्शन बाहर ये है कि ये बहुत पैसे लेते हैं तो इसलिए शायद डबिंग वाले बुलाते नहीं मुझे पर मैं तो बहुत ही अंडरपेड आदमी हूँ पैसे के लिए कभी काम ही नहीं करता तो प्लीज़ बुलाइए ऑफ कोर्स हर तरह का काम करने के लिए राजी तो आप मिमिक्री भी करते हैं नहीं नहीं करते यू जस्ट प्ले विद योर बॉस हाँ बस मिमिक्री इज अनदर डिफरेंट आर्ट फॉर्म और वो कभी हो नहीं पाई आई गॉट समथिंग फॉर यू छोटी सी एक जस्ट समथिंग स्मॉल यू कैन हैव अ लुक सो नाइस ऑफ यू ओके पावर बैंक अरे मैं सो नाइस ऑफ यू सो नाइस थैंक यू सो मच मैं अभी ये खरीदने वाला था एयरपोर्ट पे था मैं ओके तो शायद क्यूट वन छोटा सा मॉडल वेरी नाइस हांगकांग बेस्ड कंपनी थैंक यू सो मच रियली अप्रिशिएट थैंक यू सर थैंक फ्रॉम एस्ट्रम मैं खरीदने वाला था और शायद ऊपर वाले ने इसीलिए रोक दिया क्योंकि दिव्य मुझे गिफ्ट करने वाले थे थैंक यू दिव सर ये नरेटर की वॉइस में अगर एक थैंक यू दोपहर 4:45 बजे एस्ट्रम के बॉस ने दिव्य को कन्फेशन हॉल में बुलाकर उनको धन्यवाद दिया एस्ट्रम के पावर बैंक के लिए वाओ थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर थैंक यू वन स्टॉप आंसर टू योर ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन एंड वीजा मैटर्स जेमको सिडनी ड्रीम बिग अचीव बिग